हाथ में जल लेके रखेंगे। ओम पूर्वोचारित गृह गुणगण विधेय धन विधिष्ठायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक नाम मूर्ति नाम निर्माण विधौ अग्नि प्रतपन ताड़न अवघातादि दोष परिहारार्थम अग्नोत्तारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठां करिष्ये। मूर्ति में एक फूल में घी लेंगे और पूरी मूर्ति में लेपन करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम घृतं घृता पावनः पिबत वशां वशा पावनः पिबतांतरिक्षस्य हविरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्देशो दिग्भ्यः स्वाहा। अब दूध और जल की धारा कंटिन्यू मूर्ति के ऊपर छोड़ेंगे। ओम समुद्रस्य तवा वकयाग्ने परिव्यायामसि पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव प्राणदा अपानदा व्यानदा वरचोदा वरिबोदाः अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यगुं शिवो भव। शिवम शिवम शिवम। फिर से हाथ में जल लेंगे, विनियोग करेंगे। ओम श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषयः ऋग्यजुः सामानी छंदांसि परा प्राण शक्तिर्देवता आम बीजम ह्रेम शक्ति क्रोम कीलकाम आसाम। जो मूर्ति हो उस मूर्ति का नाम लेंगे, जिस धातु की बनी हो उस धातु का नाम लेंगे और आसाम मूर्तिषु प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। फिर लेफ्ट हाथ हृदय में लगाएंगे, राइट हैंड से भगवान को टच करके रखेंगे और इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम आम ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं शं सं हों ओम छं सं हं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रौं आसाम मूर्तीनां प्राणा इह प्राणाः। ओम आम ह्रीं क्रौं यं रं लं वं सं 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 हों ओम छं सं हं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रौं आसाम मूर्तीनां जीव इह स्थितः। ओम आम ह्रीं क्रौं यं रं लं वं शं 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 हों ओम छं सं हं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रौं आसाम मूर्तीनां सर्वेन्द्रियाणि वांग मनो त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणी पाद पायुपस्थानि यहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। और लेफ्ट हाथ हृदय में लगा के रखेंगे, भगवान के संस्कारों के निमित्त में 15 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। ओम 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 कार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। फिर भगवान का ध्यान करेंगे, जो मूर्ति हो उस मूर्ति के देवता का ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नारायण गणपति जो भी जो मूर्ति है उसमें उनका अस्तित्व उनका तत्व उस मूर्ति में विराजित हो।
फिर उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुखदा माजस्य बृहत्पतिर्जद्रामि मन्दनो परिथं यद्रकों शमि मन्दधातु विश्वे देवा सैह मादयन्तामो प्रतिष्ठा अस्ते प्राणा परित प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। इन मंत्रों के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान बाल स्वरूप में आते हैं तो उनका नेत्र उल्मीलन किया जाता है, तो आँखों में फिर से थोड़ा थोड़ा भगवान के घी लगाएंगे, घृत लगाएंगे। ओम तक चक्षुर्देवाहितम्बुरस्ता चक्रमुच्चरता पश्येम शरदः सतं जीवेम शरदः सतगुं शृणुयाम शरदः सतं प्रप्रवाम शरदः सतमदीनाः श्याम शरदः सतं भूयश्च शरदः सतात। भगवान के आँखों में घी लगाने के बाद उन्हें थोड़ा सा मधु का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षकुं शेषणोर्द्यौः समवर्तताम् पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् मधु नैवेद्यं समर्पयामि।